हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 खतरनाक ऐप्स जो आपके मोबाइल में लेकर के आते हैं वायरस को, और इस पे गूगल ने अपनाया अपना कड़ा रुख, बहुत कड़ी एक्शन, मतलब अपने प्ले स्टोर से सबको हटा दिया है। तो हम लोग जानते हैं ये ऐप किस तरह से खतरनाक है या था, क्योंकि अभी डिलीट हो चुका है, और ये ऐप कौन कौन से हैं। मैं इनका पूरा लिस्ट वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। अगर आप भी ये ऐप इस्तेमाल करते थे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये ऐप ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर से डिलीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक हमको मोटिवेट करता है ताकि और भी अच्छे कंटेंट के साथ में वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर के आ सके। तो दोस्तों, जैसा जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी जिन्होंने एंड्रॉयड ऐप को बनाया जिसका नाम है गूगल, सब कोई जानते हैं, गूगल एक ऐसा नाम है जो हर कोई जानते हैं, उसने अपने प्ले स्टोर से 22 खतरनाक बोल सकते हैं उसको, खतरनाक ऐप को डिलीट करवाया है, क्योंकि वो यूजर्स के मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और गूगल का कहना है कि ये जो 22 ऐप थे ये सारे के सारे खतरनाक वायरस से भरे हुए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारे ऐप का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इस ऐप को लगभग 20 लाख बार डाउनलोड भी किया जा चुका है। और गूगल को इस ऐप्स के बारे में जिसने जानकारी दी है वो है सॉप हॉस, जो इंटरनेट पे सिक्योरिटी के लिए माना जाता है, बहुत जाना माना नाम है सॉप हॉस, जो गूगल को बताता है कि ये सारे ऐप्स जो हैं वायरस से है भरे हुए हैं और ये ऐप्स फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सॉफ्टहाउस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था और इस इन्वेस्टिगेशन में उसने कुछ ऐप्स को ऐसा सस्पिशियस पाया और उन्हें पाया कि ये जितने सारे ऐप्स हैं 22 ऐप जो बहुत ही खतरनाक हैं, वायरस से भरे हुए हैं और यूजर्स के लिए काफ़ी खतरनाक हैं, और अगर इनको नहीं हटाया गया तो ये सिर्फ यूजर्स के मोबाइल को तो तहस नहस करेंगे, साथ में ही एंड्रॉयड का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको भी तबाह कर सकता है अगर इसको जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है सॉप हाउस जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी का काम करती है, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने ये रिपोर्ट बनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे कह दिया कि चलो ठीक है ये सारे ऐप खतरनाक है तो खतरनाक है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये जो 22 ऐप है ये एक डेंजर लिस्ट में उन्होंने एक डेंजर जोन का लिस्ट बना करके गूगल को सौंपा। सॉप हाउस जो है इंटरनेट पे वो यही काम ही करती है सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर के, कौन सा ऐप खतरनाक है, कौन सा कैसे काम कर रहा है, कौन सा कैसे काम कर रहा है, तो ये सारा काम हो जाता है सॉप हाउस का। सॉप हाउस ने अपने जो रिपोर्ट जो सबमिट किया गूगल को उसमें लिखा है कि ये सबसे पहले ये जो 22 ऐप हैं ये वायरस से तो भरे हुए हैं ही, साथ में ये क्या कर रहे हैं कि यूजर्स का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें उसका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म करने का ये काम करता है, और इसके अलावा जो आपका इंटरनेट डेटा है, इंटरनेट डेटा को भी वो बहुत जल्दी खपत कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और ये जो काम होता है, आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या आपका डेटा ख़त्म हो जाता है, इसका मेन वजह क्या था कि ये जो जितने भी ऐप्स हैं ना, इनका जिसमें जो वायरस इस्तेमाल किया जा रहा था ये बैकग्राउंड में डायरेक्टली आप जिससे जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सर्वर से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही था। और उन्होंने इस तरह से 22 ऐप्स की एक सूची बनाई है और गूगल को इसके बारे में जानकारी दी है, और गूगल ने उस 22 ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया है। इस 22 ऐप का जो नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैंने लिस्ट डाल दिया है,
आप देख लीजिए इस जगह में पूरा का पूरा लिस्ट आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं एक एक करके। आप चाहें तो मोबाइल को वीडियो को पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई ऐप आप इंस्टॉल कर रहे थे, कोई चला रहे थे, तो आपको जान करके बड़ा खुशी हुआ होगा कि चलो एटलीस्ट ये ऐप खतरनाक था तो मेरे मोबाइल से हट गया। बायस ऐप देख लिया, अब मुझे इजाज़त दीजिए आपने अगर ये बायस ऐप को देख लिया है तो, और इन सब ऐसे ऐसे ऐप से ज़रा बच के रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपका मोबाइल के लिए भी, आपका डेटा के लिए भी, और आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है नेट पे या मोबाइल में उसके लिए भी थोड़ा सा इस सब से बच के रहना ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।